पुलिस ने अमेजोन वेयर हाउस में हुई लूट का खुलासा करते हुए तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लुटेरों के कब्जे से लूट हुई तिजोरी और 12 लाख से ज्यादा की कैश बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि इन लुटेरों में से दो आरोपी वेयर हाउस में पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। उन्हीं लोगों ने यहां पर लूट की योजना बनाई थी। सेंट्रल नोएडा के एडिशनल DCP साद मियां खान ने बताया कि 1 जनवरी की वेयर हाउस पर अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जहां बाइक सवार बदमाशों ने वेयर हाउस में तिजोरी लूट कर फरार हो गए थे। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला है। बस 3 बजे एक लूट की घटना हुई थी अमेजोन वेयर हाउस थाना सूरजपुर में। इस लूट की घटना में जैसे देखा गया था, तीन लोगों ने गन पॉइंट पर ले करके अमेजोन वेयर हाउस के गार्ड को गन पॉइंट पर ले करके ये लूट की घटना करी थी, जिसमें एक तिजोरी का जाना बताया गया था, जिसमें लगभग 12 लाख के लगभग रुपया था। इस घटना का सफल अनावरण थाना सूरजपुर टीम ने किया है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी, घटना में जो कंट्री मेड पिस्टल यूज हुआ था और जो तिजोरी थी और उसमें जो कैश है, वो सब थाना सूरजपुर ने 100% बरामद किया है। इसमें तीन लोग जो राजकुमार हैं, एक सचिन है और एक राजा है, ये तीन लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें दो लोग जो हैं राजकुमार और सचिन पूर्व में इस कंपनी में गार्ड की नौकरी कर चुके हैं।